हेलो प्यारे बच्चों, तो यार लाखों बच्चों के इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है और फाइनली आ जाता है सीयूईटी का आंसर की। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक देखा है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द आंसर की फाइनल। भैया किस कोर्स की है ये आंसर की? सो गाइस, ये है पीजी की आंसर की। एग्जाम डेट जो कि हुआ था 1 तारीख 9 2022। भैया सब्जेक्ट कौन सा है? तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी भी लिख रखी होगी, क्वेश्चन आईडी। आप अपनी मैच कर सकते। इस प्रकार से देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आपको मार्क्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये जो आंसर है इसका भाई बी और डी दोनों ही सही है। मतलब मेरे समझ नहीं आता, ये एंटी वाले नशे करके बनाते हैं क्या वीडियो? हाँ, नशे करके पेपर बनाते हैं ये। एक क्वेश्चन के दो दो आंसर। भाई हमारे टीचर 10 क्वेश्चन डालता है, उसको गलती नहीं होती कभी। पर रिपोर्ट लेता है ना, तो कभी स्टूडेंट का आंसर गलत होता है, टीचर का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता नॉर्मल कॉलेजों में, ठीक है, यहाँ पे स्कूलों में। और ये इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतनी गलतियां कैसे कर देते हैं? ये देखो, दो क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप हो गए, दो क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप है। ये देखो माय गॉड, ये देखो, इसमें तो सब में गड़बड़ी। बी सी सी डी ए सी ए बी ए बी दोनों ही आंसर है। मतलब इतने नशे करते हैं ये, क्या ही कहें यार। एंटी का ड्रॉ, क्या बात है, क्या बात है साहब, क्या बात है। ये सी, ओ माय गॉड, ये देखो, एक के दो आंसर, दो आंसर, दो आंसर, दो आंसर, दो आंसर। स्टूडेंट के लिए यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो भैया हम चैलेंज लगाए तो लगाए किसका, हाँ किस क्वेश्चन का चैलेंज डाले हम। देखो यहाँ पे ये नोटिस वगैरह रिलीज किए गए हैं। अब ये फाइनल आंसर किया ये कि ये फाइनल है। जिन भी बच्चों ने 200 रुपए पर क्वेश्चन के दिए थे, उसके बाद चेकिंग हुई है, उसके बाद एनटीए ने क्वेश्चन आंसर रिलीज किए हैं कि ये आंसर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग इन करेंगे सीयूईटी के पोर्टल पे। ये लॉग इन कहाँ से होता है भैया? कहीं से भी कर लो, चलो यहाँ से कर लेते हैं। तो यार आप लोग यहाँ पे लॉग इन तो कर पा रहे होंगे, लेकिन कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल नहीं पा रही है, ठीक है। इसके कारण यही अच्छा होगा कि हम बस बैठे रहें और इस गेम को देखते रहें कि क्या चल रहा है। आखिरकार स्टूडेंट को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, वो भी आप सुनिए कि कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा था, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि within 24 hours आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब within 24 hours, आज 24 हो चुकी है, तो 25 तारीख तक आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे आपकी काउंसलिंग और आपको डालेंगे इंडिया के सबसे कॉलेजों में, ठीक है। तो चलिए ले लो अपना भाई एडमिशन और इंडिया के अंदर जीते रहो जिंदगी गाइस। थैंक यू।